पीछे ट्विन टावर है जो कल 2:30 बजे ख़त्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा, और इसको देखने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसका जो अक्स है वो अपनी आँखों में कैद कर लिया जाए, अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया जाए, और इसीलिए वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये करोड़ों रुपए से बनी हुई इमारत, लोग ये सोचते थे कि हमेशा के लिए अजर अमर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने इसके अस्तित्व पर ही प्रश्न लगा दिया है। आप देखेंगे बहुत सारे लोग, बच्चे, कहाँ से आए हो भाई, कहाँ से आए हो? बिहार से। बिहार से? अरे बिहार से इसे देखने आए हो? कहाँ रहते हो यहाँ? गेजा गांव में ही रहते हो, जहाँ की ये जमीन है? सेक्टर 93 में। अच्छा, क्या देखने आए हो इसमें? देखने आए कैसे टूटेगा, कल टूटेगा। पहले डेमो करने आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्राम है जी। विश्राम जी, ये बताओ उत्सुकता क्या है इसको लेके? ये देखने आए सर, इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे गिरेगी नीचे, इतना मलबा भी कहाँ जाएगा, है ना, तो इसी देखने आए। गांव देहात में कभी मकान टूटते हुए देखा है? हाँ जी, गांव देहात में तो देखते टूटे, छोटा मोटा देखा है, इतना लंबा बिल्डिंग टूट, तो हथौड़े से तोड़ते हैं, हथौड़े से तोड़ते, इतना बड़ा बिल्डिंग 32 इंची, छुए बिना टूट जाएगा, अभी बगैर छुए टूट जाएगा, तो ये देखने आए इसी वजह से, ये उत्सुकता है। हाँ जी, ये बताओ आपने कितने दिन से यहाँ रह रहे? मैं जी 2007 से यहाँ रह रहा हूँ। इसको तो देखा होगा आपने बनते हुए? हाँ जी। अच्छा, ये काफ़ी दिन से बिल्डिंग बन रही, कई सालों से बन रही है। कभी सुना था आपने इसके बारे में कि ये कैसे विवादित हुई? ये जी हमने तो नहीं सुना, बिल्डिंग तो बनी, ये तो नहीं सुना। आपको कब मालूम पड़ा कि ये इल्लीगल है? ओ जी, कल ही पता चला। कल ही मालूम पड़ा? हाँ, हमें तो कल ही पता चला। अखबारों में देखा, टीवी में देखा? हाँ, टीवी में देखा। आप भी यहीं रहते हो? जी हाँ, नोएडा सेक्टर 142 एडमंड आईडी। दूर से यहाँ पे देखने आए? किसी काम से आए थे, सोचा देख चले, चलते चलते देख चले, नज़र देख चले। क्या लग रहा है आपको, इतनी बड़ी बिल्डिंग आसानी से गिर जाएगी? वही तो देखने आए थे सर, बहुत बड़ी टिपिकल मामला आना सर तोड़ने के लिए। टिपिकल है? हाँ जी, क्योंकि विदेशी बिल्डिंग बनी हुई ना, उसमें थोड़ा उसमें भी दिक्कत आ सकती है। विदेशी कंपनी आई है इसको ढहाने के लिए? हाँ, यही सुना सर हमने। तो आपको क्या लगता है, ये जो बगल वाली बिल्डिंगें हैं जिसके ऊपर ये कपड़ा डाल रखा है, तो जब ये गिरेगी तो ये बच जाएगी क्या? शायद जब गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया था सर, बचने के लिए बनाया होगा सर, ऐसा भी ना होगा बिल्कुल छू भी ना पाए। हाँ, ऐसा हो सकता है सर, ऐसा भी जी। आप कहाँ से आए? फोटो वोटो खींच लिए इसका? हाँ, खींच लिए। तो केवल फोटो खींचने के लिए? ना ना, ये पहली बार देख रहे हैं, देखने में थोड़ा कैसा हो, मतलब मेरे लाइफ में तो पहली बार हो रहा है सर। आपकी लाइफ में नहीं हो रहा, बहुतों की लाइफ में पहली बार ही हो रहा है। रियल में कभी नहीं देखा? रियल में नहीं देखा कभी, फिल्मों में देखा है। हाँ, वैसे फिल्मों में नहीं। गिर गई कोई बिल्डिंग? वैसे वीडियो देखे और विदेश लाओगे फिर देखने? हाँ, दूर से देखूंगा। दूर से देखेंगे? हाँ, इतने नज़दीक तो नहीं आने? ना 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 ना। अच्छा भाई साहब, बना लिए वीडियो? अरे बात सुनो, वीडियो बना लिए? क्या बोलेंगे हमें इसको? कुछ नहीं, ये तो देसी भेज दिया है, हमें कुछ नहीं बोलना, हमें तो बोलना मोदी जी से। बताओ ना इसके बारे में। नहीं, मोदी जी से बोलना है, मोदी जी से बोलना है। मोदी जी तुड़वा दिए? हाँ, मोदी जी तुड़वाए। हाँ भाई, उनसे ही बात करना है, वो हमारे फेस देखना चाहते हैं, उनसे बात करना है। भोलेनाथ की कसम, उनसे ही बात करेंगे, जब बोलेंगे खोल के बात, पूरा बात खोल के बोलना है। आवाज जाएगी मोदी जी को, बोलो। कैसे जाएगी? जा रहा है वो, ऐसे मन वो आपके फोन से जाएगी आवाज मोदी जी की तरफ। तो ये जो बिल्डिंग है आप देखेंगे, यहाँ पर अलग अलग तरीके के लोग हैं, कुछ लोग अपने विजिट के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब, खींच लिया फोटो? रखेंगे इसे अपने पास? हाँ, अपने पास ही रखेंगे। हाँ बिल्कुल, और क्या, अपने पास ही रखेंगे संभाल। आप भी देखने आए? हाँ जी, हम भी देखने आए हैं। जैसे आप लोग यहाँ के रहने वाले हैं तो इसको अमूमन देखते होंगे चलते फिरते आते जाते, लेकिन अब लग रहा होगा कि एक बार इसका फ़ोटो खींच के रख लें, बच्चों को दिखाएंगे 20 साल बाद यहाँ का भी बिल्डिंग होती थी। तो यूँ कौन सी ऐसी इमारत है जो किसी ने राजा महाराजा ने बनाई है? लेकिन इसका जो ध्वस्तीकरण हो रहा है ना, वो स्पेशल है, कहीं कोई आसपास कोई चोट नहीं पहुंचेगी और ये ढह जाएगी। हाँ, है ना, यही है तो देखने। हाँ, कि
कि ये ठीक रहे, किसी के चोट वाट ना लगे, जो पब्लिक यहाँ रह रही है वे सुरक्षित रहे जब ये गिरे बिल्डिंग। पिकनिक जैसा माहौल है। बिल्कुल, मैं भी देख के आया हूँ, उनकी हज्जू जुड़ रहा पूरा इधर तो। हुजूम जुड़ा हुआ है इधर को देखेंगे अगर, बहुत ज़बरदस्त हुजूम है, लोग आए हैं इधर, कुछ महिलाएं हैं गांव की वो भी यहां पर आई हैं देखने के लिए, बहुत सारे लोग अपनी गाड़ियों में आ रहे हैं बच्चों को साथ लेके इस बिल्डिंग को दिखाने के लिए, केवल ये बताने के लिए कि ये जो बिल्डिंग है ये कल 2:30 बजे ख़त्म हो जाएगी, इसका नामो निशान मिट जाएगा और फिर उसके बाद ये पूरा केस एक कागजी दस्तावेज में सिमट कर रह जाएगा। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, नोएडा।